हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 10 फरवरी। तो 10 फरवरी के आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहां से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 9 फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़े थे, तब लास्ट में मैंने आपको एक टेस्ट दिया था। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 10 फरवरी के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, और ये जो करंट अफेयर है वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपका मैक्सिमम स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी कवर किया जा रहा है। तो कल का आपका टेस्ट है कि किस टीम ने वर्ष 2019 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। तो इस टीम का नाम है विदर्भ। हाल में विदर्भ टीम ने रणजी ट्रॉफी जो खिताब है वो 2019 में जीता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका डी, और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे 10 फरवरी के करंट अफेयर। सो आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि देश भर में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कहे या फिर कहे नेशनल डी वार्मिंग डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो जो नेशनल डी वार्मिंग डे है ये हाल ही में 8 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया, और ये जो दिन है ये किसके द्वारा मनाया गया है। तो हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा इस दिन को सेलिब्रेट किया गया 8 फरवरी को। और देखिए 2019 में जो राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया गया ये इसका कौन सा संस्करण है, तो 8वां संस्करण इसका सेलिब्रेट किया गया। और नेशनल कृमि डे का पहला संस्करण कब मनाया गया था, इसका पहला संस्करण 2015 में सेलिब्रेट किया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो नेशनल डी वार्मिंग डे है ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो बच्चों के पेट में जो कीड़े पाए जाते हैं ना, उसको खत्म करने के लिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ही वही है कि बच्चों के पेट में जो कीड़े पाए जाते हैं उसे खत्म किया जा सके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो दिन है इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो आपको हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री का नाम भी पता होना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार मैंने आपको बताया तो उनका नाम है JP नड्डा, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा। अभी तो आपको पता लग गया कि 8 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि डे सेलिब्रेट किया गया, बट फरवरी के मंथ में और कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया गया, और उसके बाद 2 फरवरी को वर्ल्ड अर्थ भूमि डे यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया, और उसके बाद 7 फरवरी को उज्ज्वला उत्सव मनाया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में जो कि आपको नोट करनी थी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गुरु पद्म संभन की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा राज्य के जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है नवीन पटनायक, उन्होंने गुरु पद्म संभन की प्रतिमा का अनावरण किया है। अब ये गुरु पद्म संभव ये कौन थे, तो ये तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, गुरु पद्म संभव जिसकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम भी आपको याद रखना, नवीन पटनायक नाम है उनका। और इस मूर्ति की लंबाई भी आपको पता होना चाहिए, तो इसकी लंबाई है 19 फीट, 19 फीट ऊंची है ये मूर्ति। उड़ीसा के अंदर इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया, तो उड़ीसा के बारे में भी आपको नोट करना होगा। और देखिए ये जो आपको पिक्चर दिखाई थी ये है गुरु पद्म संभन जिनकी मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, और उड़ीसा के गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। और उड़ीसा के अंदर लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की सीटें 10, विधानसभा की सीटें 147। और उड़ीसा का जो फोक डांस है वो है घूमरा, छऊ और उड़ीसी। और उड़ीसा का जो नेशनल पार्क है वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किसने थाईलैंड में EGAT कप में रजत पदक जीता है। तो उनका नाम है जेरेमी लालरिंगुन,
और ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे ये है जायमी लालरिंगू, जिन्होंने हाल ही में थाईलैंड में EGAT कप में रजत पदक जीता है। और इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, देखिए जो जायमी लालरिंगू है इन्होंने दूसरा EGAT कप जीता है। इनके बारे में और भी इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, देखिए जो जायमी लालरिंगू है इन्होंने 67 किलोग्राम वर्ग में 288 किलोग्राम का वजन उठा के ये रजत पदक अपने नाम किया है। ये तो बात मैंने आपको बता दी कि इन्होंने हमारे भारत के लिए दूसरा EGAT कप में खिताब जीता है, पर पहले EGAT कप में खिताब किन्होंने जीता था तो कल मैंने आपको उससे रिलेटेड करंट में पढ़ाया था, उनका नाम है शेखोमी मीराबाई चानू, जिन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में 192 किलोग्राम वजन उठाकर EGAT कप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। EGAT की फुल फॉर्म कल भी आप लोग को बताई गई थी, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में भी नोट कर लीजिए, यहाँ पर है थाईलैंड, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, थाईलैंड की करेंसी है बहत और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर है प्रयुत चान ओ छा। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको थाईलैंड के बारे में नोट करनी थी। आज का अगला क्वेश्चन होगा, भारत के सबसे उम्रदराज हाथी का निधन हो गया है और आपको उनका नाम बताना है। तो भारत के जो सबसे उम्रदराज हाथी थे उनका नाम था ग्रैनी दक्षिणी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इनकी एज हो गई थी 88 ईयर की। और इनका निधन कहाँ पर हुआ, तो केरल के अंदर इस हाथी का निधन हुआ है। और देखिए ये जो हाथी है जिसका नाम है ग्रेनी दक्षिणी, जिनका निधन हो गया हाल ही में, इन्हें केरल सरकार के द्वारा गजा मुत्सी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राज्य में बोरी बूट येलो त्योहार मनाया गया, तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अंदर बोरी बूट येलो त्योहार मनाया गया और ये जो त्योहार है बोरी बूट येलो ये अरुणाचल प्रदेश की न्यासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये जो त्योहार है ये पूरे 2 वीक तक चलता है। और ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो आप लोग को पता ही होगा कि बसंत पंचमी आने वाली है ना, तो बसंत पंचमी का स्वागत करने के लिए और उनकी फसल सही उगे सारा साल, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है ये हर साल अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है फरवरी के मंथ में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लीजिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और गवर्नर है BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 60। और जो फोक डांस है वो है भारदो छाम और जो नेशनल पार्क है वो है नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की जो स्थापना है ये हाल ही में जलपाईगुड़ी में की जाएगी। देखिए सर्किट बेंच क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो सर्किट बेंच इसे सर्किट कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये जो होता है ये एक तरह का अस्थायी अदालत होता है जो कि वर्ष में कुछ ही महीनों के लिए सिर्फ खोली जाती है। और देखिए ये सर्किट बेंच की स्थापना क्यों की जाती है, तो इसका निर्माण इसलिए किया गया ताकि जो दूर दराज के क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों की कार्रवाई की जा सके सर्किट बेंच में। और इस सर्किट बेंच में कुछ और जिलों को भी शामिल किया गया, उनके नाम भी बताती हूँ, पहला है दार्जिलिंग, दूसरा जिला है कूच बिहार और तीसरा है जलपाईगुड़ी, बता ही दिए मैंने आपको, चौथा जिला है कालिमयोंग। तो इन 4 जिलों को शामिल किया गया है इस सर्किट बेंच के लिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय का नाम आया तो आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का नाम भी पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उनका नाम है दिनेश महेश्वरी जो कि प्रेजेंट में कलकत्ता हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीश हैं। आज का अगला क्वेश्चन होगा कि किसके द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2018 को अब तक का सबसे गर्म चौथा वर्ष घोषित किया गया, तो ये रिपोर्ट जारी की गई थी नासा के द्वारा। ये बात तो मैंने आपको बता दी कि चौथा जो सबसे गर्म वर्ष है वो 2018 को घोषित किया गया, पर पहले 3 जो सबसे गर्म वर्ष थे वो कौन से थे ये भी बताना चाहिए आपको, तो पहला था 2015, दूसरा है 2016 और तीसरा है 2017 और चौथा मैंने आपको बता दिया 2018 है। नासा के बारे में भी आपको पता चाहिए क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये नासा के द्वारा जारी की गई थी। नासा की फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा का जो हेडक्वार्टर है वो US के अंदर वाशिंगटन में है। और नासा की स्थापना कब हुई थी, तो 29 जुलाई 1958 में नासा की स्थापना हुई थी और इसके जो फाउंडर है उनका नाम है D. Whyte D. Eisenhower और नासा के जो CFO है उनका नाम है जेफ डिविट। मोटो भी पता होना चाहिए, तो उसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अल्बर्ट फिनी का निधन हो गया और आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित थे। तो अल्बर्ट फिनी ये एक अभिनेता थे, कहाँ के अभिनेता थे, तो हॉलीवुड के फेमस अभिनेता थे, ब्रिटिश के अभिनेता थे ये। और यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है अल्बर्ट फिनी। इनकी एज कितनी थी, तो 82 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। इनके बारे में और भी इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। देखिए, जो अल्बर्ट फिनी है, इन्हें 5 बार ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ये बात यहाँ पर आपको याद रखें, क्योंकि इन्हें सिर्फ नॉमिनेट किया गया, इन्हें अवार्ड मिला नहीं है। 5 बार ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और 13 बार इन्हें बाफ्टा अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया, पर जिसमें से 2 बार इन्हें बाफ्टा अवार्ड दिया भी गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी। आज का अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कोप के 13वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 13वें सम्मेलन की जो मेजबानी है, इसकी मेजबानी हमारा भारत करेगा। और ये सम्मेलन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो इसका जो 13वां संस्करण है, ये हमारे भारत के अंदर गुजरात में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। गुजरात में कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो गुजरात के अंदर गांधीनगर में इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कब से कब तक ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो 15 से लेकर 22 फरवरी तक इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये कुछ ही इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी। आज का अगला क्वेश्चन होगा, किसने कार्यान्वयन और नवाचार के लिए PMAY पुरस्कार की स्थापना की है। तो उस मिनिस्ट्री का नाम है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वयन और नवाचार के लिए PMAY पुरस्कार की स्थापना की गई है। PMAY की फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे ना, प्रधानमंत्री आवास योजना। और देखिए, ये जो पुरस्कार है, ये उन्हीं राज्यों को और उन्हीं यूनियन टेरिटरीज को दिया जाएगा जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेहतरीन कार्य किया होगा। और देखिए, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है, इसका उद्देश्य यही है कि 2022 तक सभी गरीब परिवारों के लिए आवास के लक्ष्य को पूरा करना। हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री का नाम भी आपको पता होना चाहिए, तो उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। इंपॉर्टेंट है इनका नाम आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अरुंधति नामक योजना की घोषणा की है। तो उस राज्य का नाम है असम। हाल ही में असम सरकार ने अरुंधति नामक योजना की घोषणा की है। अब ये अरुंधति योजना क्या है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस योजना में क्या होगा कि असम सरकार ने ये कहा कि विवाह के समय लड़कियों को 1 तोला सोना दिया जाएगा इस योजना के तहत। और ये जो सोना दिया जाएगा 1 तोला, ये सिर्फ उन परिवार की लड़कियों को दिया जाएगा जिनकी सालाना जो आय है वो 5 लाख से कम है। और उन परिवारों में लड़कियों को विवाह के समय सोना देने का रिवाज है, सिर्फ उसी परिवार की लड़की को इस योजना के तहत लाभ होगा। असम के बारे में भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर असम की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा की सीटें 7, विधानसभा सीटें 126। और असम का फोक डांस है बिहू और जो नेशनल पार्क है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको असम के बारे में नोट करनी थी। अगला क्वेश्चन होगा, कौन से खिलाड़ी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो उनका नाम है रोहित शर्मा। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दी, ये है रोहित शर्मा, जिन्होंने हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाए हैं। कितना रन बनाया है इन्होंने, तो इन्होंने टोटल 2288 रन बनाए हैं। और इन्होंने ये उपलब्धि कब हासिल की है, तो रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में ये अपनी उपलब्धि पूरी की है। अब ये बात तो मैंने आपको बता दी कि जो रोहित शर्मा है, ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज में से पहले स्थान पर है। पर दूसरे स्थान पर कौन से खिलाड़ी हैं, तो दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जिनका नाम है मार्टिन कपटिल, जिन्होंने 2272 रन बना के दूसरा स्थान हासिल किया है। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इनके बारे में नोट करनी थी। और ये भी मैं आपको बताती हूँ कि रोहित शर्मा को कौन कौन से अवार्ड मिले। तो रोहित शर्मा को 2015 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इनके बारे में नोट करनी थी, जो कि इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 फरवरी के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोग को कहा गया था कि लास्ट में एक टेस्ट दिया जाएगा ना, तो क्वेश्चन है, नाटो का 30वां सदस्य कौन बन रहा है। उस देश का नाम बताना है जो कि हाल ही में नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 30वां देश बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।